वट इज रॉन्ग विदर्स लेट अंडरस्टैंड दिस दिस इज योर फिट ट्यूबर राहुल और आज मैं बात करने वाला हूँ शेखर्स के बारे में और वो माई फिटनेस जर्नी शेकर एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कंपेनियन रहा है एंड आई बिलीव इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज नॉट जस्ट आवर वे प्रोटीन हम काफ़ी सप्लीमेंट्स लेते हैं विच जो पाउडर फॉर्म में होते हैं एंड विच आर मेन टू बी मिक्सड इन वाटर एंड देन कंज्यूम्ड टूडे आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ शेकर वी हैव आई एम नॉट हेयर टू ब्रॉडली क्लासीफाई ऑल ऑफ दैम बट मेरा पर्पज़ है कि किस टाइप का शेकर बेटर है और किस टाइप के शेकर में क्या शॉर्टकमिंग्स हैं सो so, उसके डिज़ाइन और फंक्शन पे आवर एम विल बी टू फोकस ऑन इंस्टेड ऑफ़ टॉकिंग अबाउट द ब्रांड सो आई हैव वेराइटी ऑफ शेकर्स विद मी एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या प्रॉब्लम हुई और क्यों मैंने उसको छोड़ के नेक्स्ट शेकर चूज किया लेने के लिए मेजोरिटी ऑफ शेकर्स जो मुझे मिले वो मेरे सप्लीमेंट के साथ फ्री आ जाते थे सो एज अ फ्री बी Uh, मुझे शेकर मिलते रहे बट स्टिल आई हैड टू बाय सम गुड क्वालिटी शेकर बिकॉज सम ऑफ द फ्री बी शेकर आर नॉट एज दैट गुड क्वालिटी हाउएवर कुछ शेकरस बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं यकीन भी नहीं होता है कि वो फ्री दिए गए हैं आपके सप्लीमेंट के साथ सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस शेकर ये मेरा सबसे पुराना शेकर है इसको अब मैं यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज इसका जो ऊपर का लिड है वो यहाँ से क्रैक हो चुका है सो इफ़ आई टाइट इट बियॉन्ड दैट लिमिट वो क्रैक ओपन हो जाता है और लिक्विड लीक होता है सो so, जो इसका ढक्कन है वो मेरे यूज़ का नहीं है आई यूज़ दिस फॉर द सोल पर्पज़ ऑफ स्टोरिंग माई मिल्क तो मैं सिर्फ इसको यूज़ करता हूँ सो द प्रॉब्लम वॉज द मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो ये है ये वीक है यहाँ से जिसकी वजह से ये ब्रेक हो गया सो दिस इज़ समथिंग विच आई विल रिक्वेस्ट कि जो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हैं वो इस पार्ट को स्ट्रेंथन करें ताकि जो स्ट्रेस यहाँ आती है जब पूरा हम टाइट करते हैं तो उसको वो स्ट्रेस को बेयर कर सके तो एक्स्ट्रा मटेरियल हो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथन हो दैट विल गिव लॉन्ग लाइफ उसके बाद मुझे मेरी फ्रेंड ने एक गिफ्ट किया शेकर दिस वाज द शेकर जो मुझे गिफ्ट मिला था अगेन इट वाज ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेजोन द क्वालिटी वाज गुड बट अगेन द प्रॉब्लम वॉज इन द लिड इस टाइम पे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनफैक्ट द प्रॉब्लम वॉज फ्रॉम हेयर और ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है प्रोबेबली वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सो द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप इसको बंद करते हैं दिस इज़ अ जनरल टेंडेंसी कि आप इसको कम्प्लीट जोर से बंद करते हैं सो दैट यू मेक श्योर कि वो अच्छे से लिड क्लोज हो गया है बट एवरी टाइम वेन यू ओपन इट अप तो उसको खोलने में उतना ही जोर लगता है अब ये जो सेक्शन है ये सेक्शन इतना स्ट्रोंग नहीं होता है जिसके चलते मैं इस एज से बार बार इसको ओपन करता था जिसके चलते इसको ओपन करने की वजह से यहाँ से क्रैक हो गया कैन सी इसमें क्रैक पड़ गया है सो अगेन इट इज़ ऑफ नो यूज़ हाउ एवर ये सीलिंग तो अभी भी करता है बट स्टिल इट इज़ रिस्की बिकॉज अगर ये टूट के पूरा अलग हो गया आई नॉट बी एबल टू टेक द बॉटम पार्ट आउट विदाउट टेकिंग द लिड आउट द वीकर सेक्शन वॉज दिस वन सो दिस ऑल्सो नीड्स टू बी स्ट्रेंथन क्योंकि हम इसको बार बार पकड़ के यहां से खोलते हैं तो सो अगेन दिस इज अ थिंग आई रिक्वेस्ट शेकर मैन्युफैक्चर और द सप्लीमेंट ब्रांड्स जो अपने लिए शेकर बनवाते हैं टू मेक श्योर ऑफ दिस पार्ट ऑबियसली यू आर गिविंग एज अ फ्री बी बट स्टिल यूर कस्टमर विल ऑलवेज अप्रिशिएट द क्वालिटी यू गिव मैटर यू आर गिविंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट और यूर चार्जिंग फॉर इट मुझे लगा कि द प्रॉब्लम लाइज विद द मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन मुझे लगा कि जो शेकर्स की जो प्लास्टिक बॉडी से बनाए जाते हैं दैट्स द ओनली प्रॉब्लम तो मैंने सोचा क्यों ना एक मेटेलिक शेकर ऑर्डर किया जाए तो मैंने ये शेकर मंगाया एक्चुअली मैंने इसको अलग से परचेज़ नहीं किया ये मेरे बिग मसल न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स स्टेक के साथ आ रहा था तो मैंने वो स्टैक ही खरीद लिया ताकि मेरे पास शेकर भी आ जाए क्योंकि मुझे स्टैक में जो जो सप्लीमेंट थे उसका रिक्वायरमेंट थी ऑलरेडी

आई डोंट सी एनी more advantage to it. Now the problems. The first problem was the same. आप देख सकते हैं ये इसके अंदर फंसा रह गया है और ये निकल के बाहर आ गया है बिकॉज ये ये जो सर्कुलर पेरीफेरी है दिस नीड्स टू बी स्ट्रेंथन अगेन ताकि जब हम बार बार इसको निकालें तो uh, जो साइक्लिक लोड आ रहा है इट कैन बेयर दैट बट अगेन इट हैड वन मोर प्रॉब्लम विद दिस इट इज़ इनहेरेंट विद सच मेटेलिक शेकरस उनका ये जो ऊपर का लिड ढक्कन की जो बाउंड्री है जो सर्कुलर ये ये बॉर्डर है दिस इज मेड ऑफ मेटल बट जो ये सेंटर वाला पार्ट अगेन दिस इज़ प्लास्टिक सो नाउ दिस टू थिंग्स आर कनेक्टेड टुगेदर। अगर आप ओपन करते हैं सो दिस पार्ट इज कनेक्टेड विद द मेटेलिक पार्ट तो इससे क्या होता है ये प्रॉपर इसको लॉक नहीं किया गया एंड दे कैन रिलेटिवली मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे कैन रोटेट विद रिस्पेक्ट टू इच अदर दिस प्लास्टिक पार्ट इज़ नॉट प्रॉपरली लॉकड विद मेटल तो उससे क्या होता है जब आप मेटल को पकड़ के टाइट करते हैं तो मेटल कीप्स रोटेटिंग हावेवर जो नीचे का प्लास्टिक है वो नीचे मेटेलिक बॉडी के साथ लॉक हो चुका होता है तो so, अगर आप इसको फर्दर टाइटन करना चाहते हैं यू कीप रोटेटिंग उसको फर्दर टाइट करने के लिए आपने इस प्लास्टिक पार्ट को पकड़ के घुमाना पड़ता है अदरवाइज़ uh, वो पूरा टाइट नहीं होगा लिक्विड भार जाएगा मेरे साथ ऐसा ऑलरेडी एक बार हो चुका है सो दिस इज समथिंग विच वी कैन अवॉइड, बिकॉज दिस मेटेलिक रिंग इसकी जगह अगर आप सिंगल uh, बॉडी रखते सो दैट वुड हैव बीन बेटर बिकॉज दिस मेटेलिक रिंग टेंस टू कम आउट फ्रॉम दिस प्लास्टिक बॉडी इफ़ यू कैन सी ये आपने ये ऑलरेडी निकलने लगा इधर से सो दिस वॉज द अनदर प्रॉब्लम थर्ड थिंग वॉज कि शेकर्स के साथ काफी स्प्रिंग्स आते हैं जो अच्छे से आपके वे को मिक्स करने के लिए हेल्प करते हैं बट मेरा ये मानना है कि वे मिक्स करने में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है कि आपको उसकी यूज की रिक्वायरमेंट हो एक अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन बिना उसके बहुत आराम से मिक्स हो जाता है सो द सेकेंड थिंग वॉज कि उन्होंने एक जाली जैसा दिया है मैश सो द प्रॉब्लम विद दिस मैश पार्ट वॉज कि uh, इसकी एक्सेसिबिलिटी कम है मैं जब इसको वॉश करता हूँ तो आई कैनॉट रीच आउट टू ऑल द स्मॉल पार्ट्स जो उसको क्लीन करने में मुझे प्रॉब्लम फील हुई आई प्रेफर कि प्रॉपर होलो हो वो नीचे से सो so दैट मैं उसको अच्छे से क्लीन तो कर सकूँ सो दीज द थ्री प्रॉब्लम्स आई फेस्ड विथ दिस पर्टिकुलर शेखर उसके बाद यह शेखर मेरे यूज का नहीं था बट मैंने जब नेक्स्ट टाइम सप्लीमेंट मंगाया तो मुझे बिग मसल न्यूट्रिशन का ये शेखर मिला नाउ दिस शेकर इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी शेकर आई एम नॉट एंडोर्सिंग द प्रोडक्ट ऑवर हेयर बट आई डोंट थिंक दे आर सेलिंग इट सेपरेटली बट ये एज अ फ्री गुडी आता है इसके जो मटीरियल है दिस इज वेरी सॉलिड प्लास्टिक अगेन दिस पार्ट इज थिक एंड कैपेबल ऑफ टेकिंग द लोड तो वो यहां से क्रैक होने का चांस नहीं है दिस पार्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट नॉट दैट मच इफ यू कैन सी ये भी कुछ दिनों के बाद क्रैक होने लगा इफ यू कैन सी दिस लिटिल सेगमेंट इसको Uh, इस रीजन को रीनफोर्स करने के लिए दिया गया है बट स्टिल इट और इसके से ये हो गया है। so, again, uh, मुझे जनरली कर कोशिश करता हूँ कि मैं इसको आराम से बंद करू बहुत ज्यादा टाइट बंद ना करू बट अगेन फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी मुझे ध्यान रखना होता है कि मैं उसको अच्छे से प्रेस करू तो जब मैं अगली बार उसको ओपन करता हूं तो उतनी एनर्जी के साथ ओपन करना पड़ता है जाता नहीं है और जब तक मेरे हाथ और स्कोच ब्राइट बॉटम तक ना पहुंच पाए आई डोंट फील गुड आई वॉन्ट टू मेक श्योर की मेरा शेखर अच्छे से क्लीन अप किया जा सके आफ्टर दैट आई गॉट Another shaker. Now, this shaker seemed to be a solution to all my problems because it was again made of really good quality plastic. आपको पकड़ते ही फील होगा जो उसमें स्ट्रेंथ है तो यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज इट विल बी मच ड्यूरेबल और ये इसका काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट है ये भी भी क्रैक नहीं हुआ और इसकी फिटिंग बहुत बंद हो जाता है एंड इट सील्स रियली वेल दिस पार्ट इज वेरी हेल्पफुल मैं वॉक पे जाता हूं तो मैं इसको अच्छे से पकड़ सकता हूँ यहाँ से सो अगेन दिस द गुड पार्ट बट इन्होंने एक रीजन को री करना पे फोकस नहीं दिया एंड इफ यू कैन सी दिस क्रैक एज आई टाइटेंड इट बियॉन्ड लिमिट से क्रैक हो गया ओवर द टाइम और इससे लीक होने लगा लिक्विड तो मैंने इसको यूज करना बंद कर दिया मैं सिर्फ इसको यूज करता हूँ अपने लिक्विड्स मिल्क या पानी किसी भी चीज के लिए तो मुझे रिपीटेडली प्रॉब्लम फेस हो रही थी अलग अलग टाइप के शेकर के साथ तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक शेकर सेलेक्ट करूँ जिसमें ये सभी शॉर्टकमिंग्स ना हो तो मैंने रिसर्च किया और मुझे ये शेकर मिला शेकर बाय स्टेड फास्ट न्यूट्रिशन एक्चुअली मैं यहाँ पे ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं करना चाह रहा हूँ आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द डिजाइन विच इज हैविंग अ लोंगर लाइफ तो जो ये डिजाइन है इसकी खासियत ये है कि इसका कप वाला पेरीफेरी भी थ्रेडेड है और इसका जो टॉप है जहां से आप ओपन करके पीते हैं वो वाला पार्ट भी थ्रेडेड है सो इट बिंग थ्रेडेड ये अच्छे से सील होता है क्योंकि इसके अंदर रबर लाइनिंग है सीलिंग के लिए और ऐसे ही यहाँ पे रबर लाइनिंग दी हुई है सीलिंग के लिए सो so, ये अच्छे से सील करता है पानी भरने के लिए ओपन दिस मेन यू क्लोज इट अप और ये पीने के बाद ऑब्वियसली इट टेक टाइम टू ट्विस्ट इट बट अगेन इट इट एनश्योर्स कि आपके शेकर की लाइफ ज्यादा हो जो ढक्कन खोलने वाले होते हैं आई थिंक दे विल नॉट गो दैट लॉन्ग एज दिस वन विल सो so, मैं इस पर स्टिक कर रहा हूँ आई एम यूजिंग इट डेली एक्सटेंसिवली अगर इसमें भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स है ओवर द टाइम वो मुझे पता चल ही जाएगा बट सो फार सो गुड दिस शेकर इज हैज बीन अ गुड कंपेनियन टू मी तो अगर आप एक अच्छा शेकर देखना चाह रहे हैं मेक श्योर यू हैव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट जिसमें आपका ढक्कन भी कंप्लीट थ्रेडेड हो एंड अगेन द टॉप पार्ट इट इज ऑल्सो थ्रेडेड और दोनों में आपको सीलिंग अरेंजमेंट अच्छे से दिया हो अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ जो थ्रेड्स प्रोवाइड की जाती है किसी भी शेकर में आई हैव नोटिस दीज थ्रेड्स आर सिंगल स्टार्ट थ्रेड्स सिंगल स्टार्ट का मतलब है कि जो इसको बंद करने में आपको घुमाना पड़ेगा वो ज्यादा रोटेशन घुमाने पड़ेंगे इफ यू हैव सीन पेप्सी बॉटल्स दे हैव ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड्स उसका एडवांटेज ये होता है कि एक ही रोटेशन में आप पूरे ढक्कन को क्लोज कर लेते हैं बट यहाँ पे उसको क्लोज करने के लिए मुझे पाँच छः चार पाँच रोटेशन तो घुमाना पड़ता है सो आई रिक्वेस्ट मैन्युफैक्चरर्स टू यूज ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड्स और जो इसमें थ्रेड की प्रोफाइल है वो वाटरप्रूफिंग वाली प्रोफाइल यूज करें सो so दैट कल को अगर गैसकेट जो इसके अंदर रबर लाइनिंग है वो फेल होता है सो यूर थ्रेड्स यू आर एबल टू